हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपना टेक्नो टेक्टकॉम चैनल में। तो आप सभी को बता दें कि काफ़ी बेहतरीन गाड़ी टेम्पलेट नेम शादी वाला हम लोग डिजाइनिंग करने वाला है। बट आप सबसे पहले एक सॉरी बोल दूँगा, मैं काफ़ी लेट वीडियो लेकर आ रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि मैं बिहार से बिलिंग करता हूँ और आपको बता दें कि यहाँ पर मतलब कि बहुत मतलब बारिश हो रहा है और साथ में नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैं बारिश में वीडियो ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ और डिजाइनिंग स्टार्ट किया हूँ। बट आपको कोई दिक्कत नहीं करूँगा, ठीक है। मैं जो भी डिज़ाइन दूँगा बेहतरीन दूँगा, आप सब जानते हैं। ठीक है, अगर आप सब कोई भी कमेंट आता है तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। ये भी वीडियो में बना रहा हूँ, एक भाई का कमेंट आया था और आपको बता दें कि आपके भी कोई भी प्रोजेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। और आपको साथ में वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा कि आपको मेरे को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करने से मेरे कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, आप नहीं आपको जेब से जाता है नहीं आपको मेरे जेब में आता है। तो आप कृपया प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप बेल आइकन प्रेस करो और वीडियो को लाइक कीजिएगा मैं उससे मोटिवेट हो सकूँ। कमेंट सेक्शन में आपका प्रोजेक्ट का नेम बताइएगा, मैं और सबसे प्रोजेक्ट आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी मतलब प्रोजेक्ट के कमेंट आ चुका है बहुत सारा, तो मैं उसका भी जल्द से जल्द प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने पर सबसे छोटे से बात बता देंगे कि मैं शादी जो टेम्पलेट होता है गाड़ी पर पोस्टर लगता है उसका जिस देख सकते हैं जो मतलब शादी का ब्याह हुआ जाता है तिलक लग जाता है तो वहाँ गाड़ी को कॉर्नर पर देख सकते हैं शीशे पर लगा होता है। तो वहाँ पर आपको उसी तरह का पोस्टर डिजाइनिंग करने वाला है जैसे कि आप थंबनेल देखकर समझ गए हैं किस तरह का हम लोग पोस्टर डिजाइनिंग मिला है। ठीक है, तो उसका नाम है शादी कार्ड टेम्पलेट गाड़ी टेम्पलेट नेम। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग चलिए पोस्टर डिजाइनिंग करेंगे वाले पिक्सल आपको आवश्यकता पड़ेगा। कुछ फॉन्ट के इसमें ध्यान रखना है किससे क्या करना है, मैं 2-3 फॉन्ट यूज किया हूँ, आपको पास अवेलेबल है तो कोई दिक्कत नहीं, बट आप यूट्यूब से या गूगल से कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए आपको छोटे से बात बता दें कि यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा पिक्सल ओपन किया जाएगा। ठीक है, सिंपली क्या करना है कि आपको कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद से आपको क्या करना है कि स्टेक्स देख सकते हैं, स्टेक्स को क्या करना है कि यहाँ डिलीट वाला ऑप्शन कॉर्नर पर देख सकते हैं एक डिलीट का ऑप्शन दिया है, इस डिलीट पर क्या करना क्लिक कर देना, उसके ओके करके डिलीट कर देना। ठीक है, आपको PLP फाइल का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके और अनजिट कर लेना। उसका फाइल का पासवर्ड इसी वीडियो के माध्यम से आपको 4 स्टेप में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है, बारीकी से देखना है, आप समझ जाना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या करना है, हम लोग PLP फाइल ओपन कर लेंगे। आप ऐड कर दीजिएगा, दो तरह से PLP फाइल मिलेगा, कोई भी तरीके से PLP फाइल यूज कीजिएगा आपको ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या करता हूँ कि यहाँ पर माई प्रोजेक्ट पर नीचे देख सकते हो, यहाँ पर वो क्लिक करता हूँ और जैसे माई प्रोजेक्ट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर PLP फाइल ऐड हुआ है। ठीक है, शादी कार्ड गाड़ी टेम्पलेट बैनर PLP फाइल। ठीक है, इस पर क्या करना है डायरेक्ट क्लिक करना है, क्लिक करिए तो यहाँ पर ओके के ऑप्शन आ जाते हैं, ओके कर देना है और देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस तरह का एडिट किया गया है। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है कि जो यादव परिवार लिखा है मतलब कि ये भी मतलब अलग फंड है और रोहित जो लिखा है ये अलग फंड है। जो शुभ तिलक है इसको बता देंगे ये श्रीलिपि फंड है। ठीक है, अगर श्रीलिपि फंड रखें तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर नहीं रखें तो कोई भी फंड यहाँ पर आसानी से यूज कर सकते हो पिक्सल का। ठीक है, और यहाँ पर कुछ देख सकते हैं कोमल लिखा है, ये भी जो रोहित फंड का है वो भी कोमल है, संग है UPNG है, और जो बिया वाला जो टेम्पलेट है वो भी मतलब अलग है। आपको बता दें कि एक ही चीज़ में तिलक और बिया का दोनों का चीज़ बता दूंगा। आपको क्या करना है सिंपली यहाँ पर क्या करना है देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लेयर का ऑप्शन मिला है। ठीक है, इस लेयर पर क्या करना है क्लिक करना है। ठीक है, जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पर देख सकते हैं पाता सेवन वाला लिखा है, इसको क्या करना है कि देखिए यहाँ पर इसको लॉक नहीं किया गया, इसको क्या करना है फ्रंट का लेना पड़ा। ठीक है, उसके बाद देखिए लेयर पर क्लिक कर हट जाना इसको पास, यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन के नीचे मिल जाएगा। ठीक है, इस ए पर क्या करना है क्लिक करना है, जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर एक एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, इस एडिट पर क्लिक कर रहे हैं आप जहाँ से मतलब तिलक है, जहाँ से तिलक लेकर लड़का मतलब लड़की पक्ष जहाँ से तिलक लेकर आ रहा है लड़का पक्ष, वहाँ से पहले लड़की पक्ष के गांव लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ बढ़ारिया मोड़ सिवान लिखा है। ठीक है, मतलब वहाँ से तिलक आ रहा है टायरी बाजार। ठीक है, तो वहाँ से मैं बढ़ारिया मोड़ सिवान लिख दिया हूँ, उससे लिखकर और टायरी बाजार लिख दिया हूँ। ठीक है, तो आपको ये तिलक का पता हो गया। ठीक है, और लड़का लड़की का सेम नेम रहना चाहिए, तिलक और बारात में दोनों। और ये जो शादी का जो यहाँ पर देख सकते हैं क्या बोलते हैं इसको मतलब कि डोली है इसका जो दुल्हन का, ये मतलब कि PNG है, अदरवाइज इसको हटा सकते हैं अदरवाइज इसको रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर शुभ तिलक लिखा है तो अदरवाइज इसको रखना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं चाहता मतलब इसको अलग फंड दिया हूँ, अगर व्यक्ति शुभ तिलक का विवाह बनाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, विवाह का बात रह गया तो इसको भी मैं बताऊँगा कैसे करना है। ठीक है, आपको डेट चेंज कर लेना है, रविवार चेंज कर लेना है, मतलब डेट डेट के हिसाब से आपको दिन चेंज कर लेना है। जो यादव परिवार लिखा है इसका भी चेंज कर लेना, जो भी परिवार से बिलिंग करता है उसको लिख लेना। ठीक है, आपको उसके बाद ये बन जाएगा, उसके बाद बताता हूँ कि शुभ विवाह कैसे हम लोग बनाएंगे।
फिर से लेयर पर यहाँ पर देख सकते हैं लेयर का ऑप्शन है, इसी लेयर पर क्लिक करेंगे और जो जो हम लोग मतलब अनलॉक किया है उसको लॉक कर देंगे पहले, और तिलक कहें तो तिलक को पहले हम लोग हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर एक मिल जाएगा, यहाँ पर शुभ विवाह के एक यूनिक कोड मिल जाएगा, ठीक है। यूनिक कोड यहाँ पर शुभ विवाह के मिल जाएगा, इसको कहना कि मैं म्यूट किया हूँ, इसको कहना पड़ेगा लॉक हटा देना है, उसके म्यूट कर म्यूट किया म्यूट हटा के उसको फ्रंट कर लेना है, ठीक है। और शुभ तिलक है जो शुभ तिलक, इसको पहले म्यूट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर शुभ तिलक को म्यूट कर, देखिए यहाँ पर शुभ विवाह गया, यहाँ पर शुभ विवाह गया ना, आप इसी तरह के मतलब इसको पूरा मतलब ए टू जेड लिख कर रखा है, खाली केवल म्यूट किया गया तिलक विवाह का, ठीक है। साइज आपको अपने हिसाब से बना लेना, ठीक है। इसका भी विवाह का है, विवाह का भी मतलब डेट मतलब चेंज कर लेना, दिन भी चेंज कर लेना, ठीक है। और इसका बस इसमें डोरी रहेगा तो अच्छा लगेगा। यहाँ पर जैसे पाता है, ये पाता आपको मतलब चेंज कराना, कैसे चेंज कराना, इसको पहले म्यूट हटा देंगे, उसको लॉक हटा देंगे और ये बारात वाला लॉक कर देंगे विवाह वाला। और इसको कहना कि जहाँ से मतलब लड़का पक्ष बारात लेकर लड़की पक्ष जा रहा है, मतलब मैं टारी से बारात जा रहा है सिवान बढ़हरी मोड़, ठीक है। तो वहाँ से जब बढ़हरी से तिलक आया था टारी, तो अब टारी से बारात जाएगा सिवान, ठीक है। तो इसी तरह पर टारी लिख लेना है, उसके बाद मतलब बढ़हरिया लिखना, ठीक है। तो इसी तरह मतलब लिख लेना है, और उसके बाद पी एन जी में सेव करना, कैसे करना है आपको यहाँ पर डायरेक्ट देख सकते हैं, एक शेयर का ऑप्शन मिला है, ठीक है। इस शेयर पर हम लोग इतना बन जाने के बाद इतने ही मतलब दो चार पांच काम होता है लिखने के लिए, और डिजाइनिंग देख सकते हैं, और उसके बाद शेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं इमेज फॉर्मेट जो दिया है, इमेज फॉर्मेट इस पर क्या करना है कि यहाँ पर क्लिक करना है और पी एन जी सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद से क्या करना है कि यहाँ पर देख सकते क्वालिटी दिया गया है, तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको ये वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं नीचे अल्ट्रा दिया है, अल्ट्रा पर क्लिक करके सेव टू गैलरी कर लेना है, आपको आसानी से प्रोफेशनल तरीके से मतलब इसके मतलब सेव कर सकते हैं। इससे क्या आपका फ़ायदा होगा कि अगर दोस्त साथी आपको मतलब कि आप मतलब बाहर से बाहर जाना चाहता है वहाँ पर बारात में तिलक में, तो आपको तो ये बैनर वहाँ पर पहुँचाना नहीं पड़ेगा, तो आपको कहना कि इस तरह बना कर, और आपको क्या करना व्हाट्सअप जो भी मतलब व्हाट्सअप टेलीग्राम ट्विटर वगैरह मतलब चाहते हैं वहाँ पर शेयर कर सकते हैं, आप दोस्त साथी इसके माध्यम से पहुँच जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से नए डिजाइनिंग सीखे होंगे, तो चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के उसको ऑल कर लीजिए, साथ में दोस्तों में जरूर सीख लीजिए, इससे भाई लाभ उठा सका, ठीक है। और आपसे माफ़ी फिर से मांगता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब लेट वीडियो लेकर आ रहा हूँ, भाई कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर लाइट भी नहीं है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो चलिए वीडियो को फिर एंड यहीं करते हैं। तो थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर अपना प्रोजेक्ट का नाम बताइएगा, ठीक है। वहाँ पर आप सब जल्द से जल्द प्रोवाइड करूँगा। चलिए बाय बाय, टेक यू एंड लव यू।